arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर योगेश पांडे का है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मुगल कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में। मुगल कालीन भारतीय समाज अपनी आर्थिक, सामाजिक स्थिति एवं रहन सहन के आधार पर तीन वर्गों में बंटा था। एक उच्च वर्ग, दो मध्यम वर्ग एवं तीन निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, इस वर्ग में शासक वर्ग, सरदार, जमींदार, उच्च अधिकारी आदि आते थे। इन लोगों को उच्च वेतन, सुख सुविधाएं एवं मान प्रतिष्ठा हासिल थी। ये अत्यंत वैभवपूर्ण एवं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। औरंगजेब के समय इस वर्ग ने अस्थिरता का भरपूर लाभ उठाया। मध्यम वर्ग, व्यापारी एवं सरकारी अधिकारी मध्यम वर्ग में आते थे। ये उच्च वर्ग समान विलासितापूर्ण जीवन तो नहीं बिताते थे, किंतु इनके पास किसी प्रकार का अभाव भी नहीं था। कुछ व्यापारी अत्यंत धनाढ्य थे। निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, दुकानदार आदि इस वर्ग में आते थे। उनकी आमदनी कम थी, इनसे बेगारी कराई जाती थी। इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की न्यूनतम सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। इस वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। स्त्रियों की स्थिति, मुगल कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती थी। समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी तथा स्त्री विलास की वस्तु समझी जाती थी। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। हिंदू समाज में विधवा विवाह को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। पुत्री जन्म पर परिवार में कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। महिलाओं के काम करने हेतु घर से बाहर निकलने को बुरा माना जाता था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रानी दुर्गावती, कर्णवती, मीराबाई, ताराबाई आदि ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने तत्कालीन राजनीति में अपना प्रभुत्व कायम किया। मुगल कालीन धार्मिक स्थिति, मुगल शासक अकबर ने जहां धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया, वहीं औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता एवं धार्मिक उन्माद के मार्ग पर चलते हुए हिंदुओं पर अत्याचार किए। अकबर की धार्मिक नीतियों ने उसे जहां राष्ट्रीय सम्राट एवं महान सम्राट की श्रेणी में ला खड़ा किया, वहीं औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति मुगल शासन के पतन का कारण बनी। बाबर एवं हुमायूं की धार्मिक नीति, बाबर तथा हुमायूं कट्टर मुसलमान थे। उन्होंने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता का परिचय दिया। इन दोनों बादशाहों के शासनकाल में अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए। अकबर की धार्मिक नीति, अल्पायु में सिंहासन पर बैठते समय अकबर कट्टर मुसलमानों के प्रभाव में था, किंतु उम्र बढ़ने के साथ ही उसकी नीति में परिवर्तन आया। अकबर की धार्मिक नीति उदार एवं सहिष्णुतापूर्ण थी। उसने धर्म को राजनीति से पृथक कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उसने जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर रोक लगा दी तथा तीर्थयात्री कर एवं जजिया कर समाप्त कर दिया। उसने सभी धर्मावलंबियों को अपने धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। सन 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाने में वह सभी धर्मों के विद्वानों को सुनता था। इन समस्त विद्वानों को सुनने के पश्चात अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में सत्यता है, सभी धर्म एक हैं तथा उनमें केवल रीति रिवाजों एवं उपासना प्रणाली का अंतर है। इस आधार पर किसी धर्म को ऊंचा एवं किसी धर्म को नीचा नहीं कहा जा सकता। उसने अपने साम्राज्य की जनता को एक सूत्र में बांध कर रखने के लिए सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को सम्मिलित कर दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। अकबर ने अपने शासन में सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों को उच्च पद प्रदान किए। अकबर की इस नीति से प्रसन्न होकर अधिकांश जनता अकबर की समर्थक बन गई। अकबर की सफलता का एक कारण उसकी धार्मिक नीति भी थी। जहांगीर की धार्मिक नीति, जहांगीर ने अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। उसने हिंदुओं को अपने पूजा गृह एवं ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की। कुछ अवसरों पर उसने धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया एवं कई मंदिर नष्ट करवाए। शाहजहां की धार्मिक नीति,
शाहजहां में अपने पूर्वजों की अपेक्षा धार्मिक कट्टरता ज्यादा थी। उसने अनेक मंदिर तुड़वाए एवं लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनवाया। शाहजहां का पुत्र दारा उदार विचारों वाला व्यक्ति था, अतः उसके प्रभाव के कारण शाहजहां में कुछ सहिष्णुता आ गई थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब एक धर्मांध कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने एक इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। उसके शासन की प्रत्येक नीति इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित थी। उसने ऐसे कानूनों का निर्माण किया ताकि प्रजा कुरान के बताए हुए रास्ते पर चले। उसके शासनकाल में मुहतासिब नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए जो यह देखते थे कि लोग इस्लाम धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। औरंगजेब ने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा एवं उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया, मूर्तियों को खंडित किया, हिंदू पाठशालाओं को नष्ट कर दिया। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और उसकी कठोरता से वसूली करवाई। हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनवाया। उसने हिंदुओं के सामाजिक कार्य एवं आयोजनों पर प्रतिबंध लगवा दिया। उसने तीर्थयात्री कर भी लगाया। औरंगजेब ने सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को हटा दिया। हिंदू व्यापारियों पर भारी कर लगा दिया गया जबकि मुसलमानों पर से कर हटा दिए गए। औरंगजेब की धार्मिक नीति के फलस्वरूप जाटों, सतनामियों, सिखों तथा राजपूतों ने अनेक विद्रोह किए। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बनी। अब हम अध्ययन करेंगे मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य के विषय में। शिक्षा। मुगल काल में भारत की शिक्षा की कोई उन्नति नहीं हुई। सम्राटों ने शिक्षा के प्रसार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, न ही शिक्षा के विभाग की स्थापना की। शिक्षा निजी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जाती थी। बाबर व हुमायूं ने दिल्ली में एक एक मदरसा की स्थापना की थी। मुगल सम्राटों में अकबर ने शिक्षा में रुचि दिखाई। उसने प्राथमिक शालाओं से लेकर बड़े विद्यालय तक खोले। उसने इस्लामी शिक्षा संस्थाओं में इस्लाम धर्म की शिक्षा के साथ ही समाजशास्त्र, ज्योतिष, गणित, गृह विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा प्रारंभ करवाई। हिंदी और संस्कृत विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। अकबर के बाद अन्य मुगल शासकों ने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। जनता अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था स्वयं करती थी। प्रत्येक गांव में जनता के स्कूल थे। हिंदू बच्चे 5 वर्ष की उम्र में शाला जाने लगते थे। मुगल काल में देश में अनेक उच्च कोटि के विद्यापीठ थे जिनमें काशी विद्यापीठ एवं मदिया प्रमुख थे। काशी में संस्कृत, व्याकरण, साहित्य आदि का अध्ययन होता था जबकि मदिया हिंदू शिक्षा का केंद्र था। इसके अतिरिक्त मिथिला, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन आदि में भी हिंदू शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र थे। मुगल शासकों ने दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर में बड़े बड़े मदरसे खोले थे। साहित्य। मुगल वंश के सभी शासक विद्वान थे तथा साहित्य में रुचि रखते थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां साहित्य प्रेमी थे। बाबर तुर्की एवं फारसी का कवि तथा लेखक था। मुगल कालीन भारत में अकबर के शासनकाल में साहित्य की चरम उन्नति हुई। मुगल सम्राटों के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे जिन्होंने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। इस काल में हुए साहित्य को हम इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं। फारसी साहित्य। इस काल में फारसी भाषा में मौलिक रचनाओं का सृजन हुआ। इस काल की प्रमुख फारसी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। बाबर, जिन्होंने तुज़के बाबरी लिखा। हुमायूं, इनके काल में हुमायूं नामा लिखा गया जिसके लेखक थे गुलबदन बेगम। अकबर के शासनकाल में अकबर नामा अबुल फजल द्वारा, आईने अकबरी यह भी अबू फजल द्वारा, तवकात अकबरी जिसे निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा और पुनः अकबर नामा जिसे फैजी ने लिखा। जहांगीर के शासनकाल में तुज़के जहांगीरी लिखी गई जिसे स्वयं जहांगीर ने ही लिखा था। शाहजहां के शासनकाल में बादशाह नामा जिसे अमीनई काजवीनी ने लिखा और शाहजहां नामा जिसे इनायत खान ने लिखा। औरंगजेब के शासनकाल में फतवा ए आलमगिरी नाम का ग्रंथ लिखा गया जिसके संपादक स्वयं औरंगजेब ही था।
हिंदी साहित्य। मुगल काल में हिंदी एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो चुकी थी, किंतु शासकों द्वारा इसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप अकबर के शासनकाल से पूर्व ही कुछ ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें पद्मावत, युगावत श्रेष्ठ कृतियां हैं। अकबर ने हिंदी को प्रोत्साहन दिया। उसके दरबार में राजा बीरबल, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, नरहरी, हरिनाथ आदि हिंदी के विद्वान कवि थे। इस काल में हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास एवं सूरदास हुए। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका प्रमुख है। इसी प्रकार सूरदास द्वारा रचित सूर सागर अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय ग्रंथ है। अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान आदि कवियों ने इस युग में सुंदर काव्य रचना की। इसके अतिरिक्त केशवदास, भूषण बिहारी, सेनापति आदि इस काल के प्रमुख कवि हुए। संस्कृत साहित्य। इस काल में श्रेष्ठ मौलिक संस्कृत ग्रंथों की रचना नहीं हो पाई। अकबर ने संस्कृत के विद्वानों को संरक्षण दिया। इस काल में फारसी संस्कृत के एक शब्दकोश फारसी प्रकाश को तैयार किया गया। उर्दू साहित्य। अमीर खुसरो प्रथम महान कवि हुए, जिन्होंने उर्दू में अपनी कविता लिखी। मुगलों ने उर्दू को मान्यता नहीं दी, किंतु बीजापुर एवं गोलकुंडा के सुल्तानों ने उर्दू के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा एवं साहित्य के पश्चात हम पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के विषय में। मुगल काल में स्थापत्य कला का चरम विकास हुआ। इस काल में निर्मित भवनों एवं इमारतों की सुंदरता एवं कारीगरी जनसाधारण को आश्चर्य में डाल देती है। अकबर ने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों के मानने वाले कारीगरों एवं वास्तुविदों को काम दिया तथा उन्हें स्वेच्छा से हिंदू या मुस्लिम या मिश्रित कला के आधार पर भवन निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता दी। इससे दोनों प्रकार की वास्तुकला में सामंजस्य संभव हुआ। परिणाम स्वरूप एक नई वास्तुकला या शैली का जन्म हुआ, जिसे मुगल वास्तुकला या मुगल शैली कहते हैं। इस प्रकार मुगल वास्तुकला हिंदू व मुस्लिम वास्तुकला का सर्वोत्तम मिश्रण है। मुगल काल की स्थापत्य कला का विवरण इस प्रकार है। बाबर। बाबर ने बड़े भवनों की बजाय छोटे भवन, फव्वारे, स्नानागार आदि बनवाए। बाबर के द्वारा पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, संभल में जामा मस्जिद एवं अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। हुमायूं। हुमायूं ने दीन पनाह नामक महल एवं आगरा तथा फिरोजाबाद में एक एक मस्जिद बनवाई थी। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वह इस कला के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाया। शेरशाह। शेरशाह ने सासाराम बिहार में अपना स्वयं का मकबरा बनवाया, जो इस युग की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। शेरशाह ने दिल्ली में पुराना किला एवं उसमें एक मस्जिद बनवाई, जिसके अब केवल अवशेष बचे हैं। सासाराम में उसके द्वारा बनवाए गए कुछ भवन आज भी विद्यमान हैं। अकबर। मुगल स्थापत्य कला का वास्तविक प्रारंभ अकबर के काल से होता है। अकबर ने अनेक नगरों में अनेक भवनों, किलों एवं मस्जिदों का निर्माण कराया, जो इस प्रकार है। प्रमुख किले। अकबर ने आगरा का लाल किला, जहांगीरी महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला एवं फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। ब धार्मिक इमारतें। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का मकबरा। अन्य इमारतें। जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, पंचमहल, हवा महल आदि। जहांगीर। जहांगीर चित्रकला में अधिक रुचि रखता था। उसे बगीचों से बहुत प्रेम था। उसने किसी नए भवन की योजना नहीं बनाई, किंतु आगरा के निकट सिकंदरा में बन रहे अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। जहांगीर ने दो इमारतों का निर्माण करवाया, एक लाहौर में जहांगीर का मकबरा और दूसरा आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा। शाहजहां। शाहजहां के राज्यकाल में मुगल वास्तुकला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई। यह वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण युग था। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें इस प्रकार हैं। ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया।
ताजमहल के आसपास बगीचा है तथा इसके पीछे यमुना नदी बहती है। मुख्य इमारत संगमरमर के एक चबूतरे पर बनी है। संपूर्ण भवन में सफेद संगमरमर पर काले अक्षरों में कुरान की आयतें खुदी हुई हैं तथा कीमती पत्थरों पर बेल बूटे व फूल चित्रित हैं। इस इमारत का निर्माण करोड़ों रुपयों की लागत से लगभग 22 वर्षों में पूर्ण हुआ। ताजमहल अपनी सुंदरता, भव्यता एवं कलाकृति के लिए विश्व के महान आश्चर्यों में से एक मानी गई है। आगरे के किले में बनी इमारतें। शाहजहां ने अकबर द्वारा आगरा में बनाए गए किलों में पुनः नए भवन बनवाए, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, झरोखा दर्शन, अंगूरी बाग, जामा मस्जिद, आगरा आदि प्रमुख हैं। दिल्ली की इमारतें, लाल किला एवं जामा मस्जिद। औरंगजेब। औरंगजेब ने इमारतों के निर्माण में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। मुगल काल में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। बाबर एवं हुमायूं यद्यपि कला प्रेमी थे, किंतु उनके शासन काल में इसकी उन्नति नहीं हो पाई। अकबर ने चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के कारण हिंदू एवं फारसी चित्रकलाओं की प्रगति हुई। दोनों कलाओं के मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे मुगल शैली कहते हैं। जहांगीर के काल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। जहांगीर को चित्रकला में विशेष रुचि थी। उसके दरबार में बहुत से चित्रकार रहा करते थे, जिसमें अबुल हसन एवं उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध थे। जहांगीर स्वयं भी चित्रकारी में निपुण था। जहांगीर ने अपने महलों में चित्रों की नई गैलरियां बनवाई थी। उसके काल की चित्रकला का मुख्य विषय प्राकृतिक सौंदर्य था एवं अधिकांश चित्र भारतीय शैली में ही बनाए गए थे। जहांगीर के पश्चात चित्रकला का पतन प्रारंभ हो गया। शाहजहां एवं औरंगजेब ने चित्रकला को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। मुगल काल में पशु पक्षी, प्राकृतिक सौंदर्य, शाही दरबार एवं मनुष्य के चित्र बनाए जाते थे, जिनमें प्राकृतिक अथवा बने हुए रंगों का प्रयोग होता था। चित्रकारी के लिए कागज, चमड़ा या कपड़े का प्रयोग होता था। इस काल के राजपूत राजाओं ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, जिससे एक नई शैली उत्पन्न हुई, जिसे राजपूत शैली कहते हैं। मुगलकालीन संगीत कला। औरंगजेब के सिवाय सभी मुगल बादशाह संगीत प्रेमी थे। इन बादशाहों ने संगीतज्ञों को अपने दरबार में संरक्षण दिया तथा कुछ बादशाह तो स्वयं अच्छे संगीतज्ञ थे। प्रत्येक राजकुमार को संगीत की विधिवत शिक्षा दी जाती थी। बाबर संगीत का प्रेमी था एवं उसने स्वयं कई गीतों की रचना की थी। हुमायूं भी संगीत का प्रेमी था। 1535 ईस्वी में मांडू की विजय के बाद बंदी बनाए गए लोगों में बच्चू नामक एक संगीतज्ञ भी था। उसके संगीत को सुनकर हुमायूं इतना प्रसन्न हुआ कि उसने बच्चू को अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। अकबर स्वयं संगीतज्ञ था तथा नक्कारा बजाने में प्रवीण था। उसके दरबार में तानसेन नाम का प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहता था। जहांगीर एवं शाहजहां भी संगीत प्रेमी थे एवं उन्होंने अपने दरबार में अनेक संगीतज्ञों को संरक्षण दिया था। शाहजहां स्वयं अच्छा संगीतज्ञ था एवं उसने अनेक गीतों की रचना भी की थी। औरंगजेब संगीत कला से घृणा करता था। उसने अपने दरबार से सभी संगीतज्ञों को निकाल दिया तथा संगीत पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब के पश्चात शासकों ने पुनः संगीत को प्रोत्साहन दिया। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।